गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे विषय हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्र का दूसरा इकाई अनूठे इंसान उसमें से पार्ट 2 का दूसरा प्रसंग सज्जादान। मालबार की बात है, मालबार यानी कि केरल के केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया कि त्यां बडगरा नाम में एक गांव में सभा नु आयोजन थयुं हतुं। गांधीजी अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरो की भीख मांगी। लेकिन गांधीजी छे के पोताना भाषण में उपस्थित जे बधा महिलाओं हती के तेनी पासे आभूषणों की मांग मांगे छे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली एटले के आ सभा में घनी बधी भेंट छे के तेने मळे छे। अपना भाषण समाप्त करी गांधीजी के अब उनको नीलाम करने लगे। एटले के पोतानु भाषण समाप्त थाई छे एटले के गांधीजी छे के ते बधी वस्तुओं छे के तेने नीलाम एटले के बोली लगावानु शुरू करे छे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे से मंच पर चढ़ाई। एटले के एमां आ सभा में एक कौमुदी नामनी एक छोकरी छे 16 वर्षनी के ते धीमे थी ते पोतानु मंच एटले के स्टेज पर आवी बेसे छे। उसने एक हाथ की सोने की जूड़ी उतारी एटले के तेणे पोताना हाथ में थी एक सोनानी जे जूड़ी हती एटले के जे कंगन हता के ते उतारे छे और उसे गांधीजी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? एटले के पोते पछी त्यां जईने पर गांधीजी पासे कहे छे કે હું આ ચૂડી તમને હું આપું છું તો તમે તેના બદલામાં તમે મને તમારા હસ્તાક્ષર એટલે કે તમારી જે સહી છે તે મને આપશો? ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી રહે થે કે ઉસને દૂસરે હાથ કી ચૂડી ભી ઉતાર દે એટલે કે ગાંધીજી તે પોતે કંગન લઈને હસ્તાક્ષર કરે છે કે તરત તે છોકરી છે કે બીજા હાથની કંગન પણ ઉતારે છે। એ દેખકર ગાંધીજીને કહા, અરે પગલી लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी कहे कि अरे पागल छोकरी कि तू मने बे हाथ ना कंगन आपे छो पण तेनी जरूर मारे नथी, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। लेकिन एक ज हाथ ना कंगन लईने मारा हाथनी जे सही छे ते हूँ तने आपी देश। इसके उत्तर में कुमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। એટલે કે આટલું જ ગાંધીજી બોલે છે ત્યાં કમુદી છે કે પોતાના ગળનો જે સ્વર્ણ હાર છે, સોનાનો હાર છે, તે પણ ઉતારી આપે છે। ગાંધીજીને પૂછા, તુમને અપના માતા પિતા સે આજ્ઞા લેલી હે ને? એટલે કે ગાંધીજીને તો બીક લાગે છે અને કહે છે, અરે છોકરી કે તું તારા ઘરે માતા પિતાને તો પૂછીને આવી છું ને આજ્ઞા, એટલે કે તેનું યાની કે આજીજી કરના પૂછ કે આના। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ी बूंदी भी निकाल लिए अने कई पण उत्तर आप्या वगर कौमुदी छे के पोताना कान माथी जे रत्न जड़ित, रत्न एटले के हीरा थी जड़ेली जे बूंदी एटले के जे बूटी छे ते पण काढ़ी दे छे। गांधीजी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? एटले के गांधीजी पूछे छे કે તું આટલું બધું એ કે મારા માટે કરે છો પણ તું મને હજી મને ડર છે કે એટલે બધા તું આભૂષણો મને આપી દે છો તો તારા ઘરેથી માતા પિતાનું શું આજીજી તો તું લઈને આવી છો ને, એમ પૂછીને તો આવી છો ને? ગાંધીજી કુછ ઉત્તર દેતી ઇસસે પહેલે કિસીને કહા, ઇસકે પિતા તો રહી હૈ ના, માનપત્રો કી નીલામી મેં વહી તો બોલી લગા કર આપકી મદદ કર રહે હૈ। એટલે પાછળથી કોઈ વ્યક્તિ કહે છે કે અરે તેના પિતા તો અત્યારે જીવતા છે નહીં, અને માનપત્રોની જે નીલામી એટલે કે બોલી લગાવી, કે માનપત્રોની જે બોલી લગાવીને તે અત્યારે તમને તો મદદ કરી રહ્યા છે એમ। એટલે કે તેના પિતા જો નીલામીમાં એટલે કે બોલી લગાવવામાં તે પણ આભૂષણ કે પોતાનું શરીર કંઈ જોતા ન હોય તો તેની પુત્રી પણ દેશભક્તિ એટલે કે દેશ માટે તે પોતાના આભૂષણોનો પણ ત્યાગ કરશે। अब गांधी जी ने कमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि ये गहने देने के बाद तुम फिर गहने नहीं बनवा सकोगे। लेकिन गांधी जी कमुदी ने कहे छे कि तने एटलू तो तने खबर हशे ने कि आ गहना आ जे आभूषणों छे कि तू मने आपी दे छो अने पछी आ बधा नवेसरथी नवा बनावा ई शक्य नथी एम तारा माटे। कमुदी ने यह शर्त
दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। अने पछी कौमुदी छे के वांधो नहीं के मने तमारी शर्त मंजूर छे एम दृढ़तापूर्वक एटले के मजबूताईथी ते स्वीकार करी ले छे। गांधीजी ने हस्ताक्षर करने के बाद वो वाक्य लिख दिया। अने पछी गांधीजी हस्ताक्षर करे छे एटले के पोतानी सही आपे छे अने सही करीने बाजू में एक वाक्य लखे छे, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा ही तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। एटले के तारा माटे आभूषण छे के आभूषणों की अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि इच्छा, एटले कि तारा आ आभूषणों की जे इच्छा छे अने ए इच्छा ने जे तू त्याग करे छे ए त्याग करवो ए तारू साचू आभूषण छे। आभूषण एटले के घरेणू छे, ए तारू साचू घरेणू छे। एटले कि तारा सोनाना घरेणानी इच्छा ते त्याग करी छे तो ए इच्छा ज શું કરે છે કે તારું એવું સાચું ઘરેણું છે। સચ હે દેશપ્રેમ સે બઢકર કુછ નહીં, એટલે કે સાચું છે કે દેશપ્રેમ માટે દેશપ્રેમથી વધીને બીજું કંઈ છે જ નહીં। શબ્દાર્થ આપકો દેખને હૈ ઓર પઢને હૈ ઓર ઉસકે બાદ અભ્યાસ ઓર સ્વાધ્યાય કી બાત હમ અગલે વીડિયો મેં કરેંગે।